बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान की मारूफ ब्रांड क्यू मोबाइल के मेगा डिस्ट्रीब्यूटर डिप्लॉय ने अपने सेंट्रल डिवीजन, यानी जिसको जुनूबी पंजाब भी कह सकते हैं, उनके मुंतखब डिस्ट्रीब्यूटर के एजाज़ में अशाइये का एहतमाम किया। इसमें एक मारूफ दुनिया की चेन है, उनमें जो है इनके रिहाइश के इंतज़ाम, इसके अलावा मारूफ रेस्टोरेंट जो लाहौर का है 5 स्टार, उसमें अशाइये का एहतमाम किया। इसमें मुख्तलिफ शहरों के डिस्ट्रीब्यूटर और दीगर दोस्तों के साथ डिप्लॉय के इस अशाइये में शिरकत उन्होंने की। उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ मौजू पर डिप्लॉय के CEO आसिफ खान के साथ गुफ्तगुशीनी की गई। इसमें मुख्तलिफ मामलात जो है ज़ेर बहस आए। इसमें मुख्तलिफ सवालात के जवाब देने के लिए अशाइये के बाद अज़ां एक गेट टुगेदर आसिफ खान ने रखा और उनसे अपने आइंदा की पॉलिसी के मुतालिक उनको आगाही दी, जिसमें उन्हें बताया गया डिस्ट्रीब्यूटर्स को आसिफ खान की जानिब से कि डिप्लॉय जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपके हमरा शरीक रहेगा, हर किस्म के जायज़ काम में जो आपकी जायज़ शिकायतों से लेके जो भी आपके मामलात हैं उसे डिप्लॉय जल्द से जल्द हल करेगा, उनके मामलात को पाया तकमील तक पहुंचाएगा। इसमें सबसे अहम इशू जो किया गया वो ज़ेरे बहस गुफ्तगु में, जब डीलर से ये सवाल किया गया कि जी डिप्लॉय ने जब से ये प्रोडक्शन अपने हाथ में ली है और आपको स्टॉक फ्राहम हो रहा है, उसका रेशो कहाँ पहुंचा, तो मुंतखब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि डिप्लॉय के आने के बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड क्यू मोबाइल का बहुत ऊपर की जानिब चला गया और काउंटर क्लेम तकरीबन ना होने के बराबर हो गया। अगर इक्का दुक्का कोई हज़ारों पीस में निकल आए तो वो उसके मुतालिक आपका क्या पैगाम है हमारे लिए कि वो कब तक इसमें जो भी काउंटर क्लेम है उसको कब तक रिप्लेसमेंट आप करेंगे। तो आसिफ खान ने इस मौके पे कहा कि काउंटर क्लेम आपको 2 से 3 दिन में एडजस्ट हो जाएंगे और अगर वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो उसके पैसे वेव्स हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने इस बात पर वाज़े ऐलान किया कि डिप्लॉय का ये शेवा नहीं है कि वो जो काउंटर क्लेम है उसे रिपेयर करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे। उन्होंने कहा अगर किसी को, क्योंकि आप मंझे हुए लोग हैं, कारोबार साला साल से करते हैं, जैसे ही रिपेयर किया हुआ पीस आपके हाथ में आएगा आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये 2 नंबर का काम किया गया है, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, मेरे नंबर आपके पास हैं, वो आखिरी पीस होगा जो कि किसी एम डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा होगा, क्योंकि हमने सख्ती से इस बात की ममानियत की है कि जो काउंटर क्लेम है उसके हमारे जो रिपेयर किए हुए पीस है उसके विदाउट वारंटी हम अलग-अलग से मामलात हमने उसके रखे हुए हैं वो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देते। दूसरी गुफ्तगू, उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में फैसला कर लेंगे कि अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हें दौरा हर हाल में कराएंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, दीगर चीज़ें हैं, हम एडजस्ट नहीं करेंगे और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को 2 मुल्क उन्होंने वाजे किया कि हम दोनों में से एक जाएंगे। उम्मीद ये की जा रही है थाईलैंड के अंदर जो सिर्फ एक शहर अभी खुला हुआ है, उम्मीद की जा रही है कि तुर्की के वो शहर जिसमें हमारे डीलर्स जो है या डिस्ट्रीब्यूटर कम गए हैं या नहीं गए, उसकी सैर कराएगा डिप्लॉय, 5 रोज़ा दौरे पे लेके जाएगा, 4 रातें गुजारेंगे, उम्मीद ये की जा रही है। और ये भी हो सकता है कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में, दूसरे से तीसरे हफ्ते के दरमियान या जनवरी
कि पहले हफ्ते में ये दौरा कराया जाए और ये यादगार दौरा होगा बकौल आसिफ खान के, कि बहुत ज़्यादा इसमें हम मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे जो डीलर्स हैं, उनको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हो, आला दर्जे के होटल, बेहतरीन खाने और बेहतरीन तफरी मकामात की सैर इस दौरे में शामिल होगी। और हमारी ख्वाहिश है कि हम मज़ीद भी दौरे अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ मिलके दुनिया भर के करें। उन्होंने कमिटमेंट की बात भी की, जिनसे उन्होंने कहा कि मेरा सारी ज़िंदगी जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गुजरी है और हमने कोशिश ये की है अपने मुल्क की मोहब्बत में कि जो दुनिया भर में गुफ्तगू होती है, कोई भी बातचीत होती है, ज़बान दे दी तो वो मामलात होते हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ जो भी कमिटमेंट करेंगे वो पूरी करेंगे, खौफ कुछ भी हो जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो 3 महीने आपके क्वार्टर हो गए तो हमने अपने जो स्टाफ है उन्हें कह दिया है कि इस पैसे को इनके जो लेजर में यकुम दिसंबर को एडजस्ट कर दिया जाए। तो इंसेंटिव यकुम दिसंबर को उम्मीद की जा रही है 30 नवंबर तक का, यानी नवंबर का, अक्टूबर का और सितंबर का 3 महीने का एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब इसके मुताल्लिक मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि डिप्लॉय जो है वो मेगा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके अलावा वो प्रोडक्शन भी करता है और इम्पोर्ट भी करता है बाज़ाब्ता कानूनी तौर पर। अब इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे पैगामात, बहुत सारे मामलात डीलर से किए। ऐसा ही एक दौरा अगले हफ्ते भी कराया जाएगा जिसमें जो है ना वो कराची के मुंतखब डीलर्स के एजाज़ में यहाँ भी अशाइये का एहतमाम किया जा रहा है और इसके अंदर जो है कराची के मतलब सिंध साउथ के, बिलखसूस सिंध के, क्योंकि एक और दौरा कोयटा के लिए कराया जाएगा, यानी बलूचिस्तान के जो एमडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके एजाज़ में, डीलर्स के एजाज़ में, और इसी तरह जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान के टॉप सिटीज़ में जो है डिप्लॉय प्रोग्राम करेगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मुस्तकबिल के हवाले से हर प्रोग्राम के साथ वो आपको पेश करेंगे आसिफ खान। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लाहौर में ये प्रोग्राम किया गया और इंतहाई शानदार था और बेहतरीन डीलर्स की तवाजो की गई। इसी तरह जो भले लाहौर के डीलर थे या मुल्तान के या गुजरावाला के, उन सबको मारूफ दुनिया की चैन जो है उस रेस्टोरेंट में रिहाइश का भी इंतजाम उनके किए गए थे। तो वेल डन, इब्तदाई प्रोग्राम डिप्लाई का जो है वो बड़ा शानदार रहा। उम्मीद हम करते हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा हर कंपनी, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर एमडीज की मुहिम में उनके साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि डिप्लाई मज़ीद अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कॉपरेट करेगा और बहुत उनको अपने साथ लेके बहुत दूर तक जाएगा। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में लम्हों में पहुँच सके। दुनिया की मारूफ ब्रांड सैमसंग जो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही है, बड़े उसके सेल के लिहाज से बहुत अच्छा ब्रांड है, दुनिया भर में सेल उसकी और क्वालिटी सबसे मुख्तलिफ है। एक अजीब कहानी, गुज़श्ता रात हमारे जो एमडीज़ हैं सैमसंग के उनके साथ पेश आ गई। एक डील दी थी सैमसंग ने A52 की 16 से 30 नवंबर तक की, उसके साथ ये बगैर इत्तला के 1 घंटे पहले इत्तला दी गई तकरीबन, ये इन्फॉर्मेशन है, मुख्तलिफ तस्दीक नहीं हो सकी है, ये तो बेहतर कंपनी ही बता सकेगी कि क्या ऐसा हुआ था। यानी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो डीलर्स ने हम तक आगाही दी, जो एमडीज ने सैमसंग के आगाही दी, जिसमें उन्होंने कहा गया कि A52 जो है इसके 52 पीस पर डील दी गई थी और एक पीस पर 15,000 रुपये का जो है ना वो इंसेंटिव रखा गया था।
ये डील शुरू थी, काम हो रहे थे, लेकिन एकाएक की 22 तारीख को, जो 30 तारीख को स्कीम खत्म होनी थी, 22 तारीख को शॉर्ट नोटिस पर जो है ये क्लोज कर दी गई 11:59 पर। कुछ हमारे जो सैमसंग के, यानी हमारे डीलर्स और सैमसंग के एमडीज ने, किसी ने 50 पीस किए थे, किसी ने जो है वो 40, किसी ने 35, किसी ने 25, किसी ने 15, जो जो भी कर चुके थे, टारगेट पे चल रहे थे, और उनका टारगेट मजीद एक हफ्ते में अपने मामलात को क्लियर करना था, जिसके तहत वो अपने स्टार्ट चल रहे थे। बहुत सारे हमारे जो एमडीज हैं सैमसंग के, वो तकरीबन 35 से अबव जा चुके थे। कई जिन्होंने मुझे फ़ोन किए ज़ाती तौर पर, और मैसेजेस भी आए मेरे पास कि जी इसको ज़रा से मैटर को आप देखें, तो जिसमें 15,000 के हिसाब से अगर किसी ने 50 पीस भी किए हैं, तो उसूली तौर पर वो जो उनकी पॉलिसी है उसके तहत जो एक्टिवेशन नहीं आएगी। अगर 50 पीस की भी आई, 52 पीस करने हैं, तो ऑटोमेटिक वो बाहर हो गया। इसका मतलब ये है कि 50 पीस का मतलब 7.5 लाख रुपए का उसे नुकसान हो जाएगा, अगर के वो 2 पीस उसके एक्टिव नहीं हुए। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो छोटे लोग हैं, छोटे से मुराद खुदा ना करे उनके कद में या उनकी शख्सियत के हिसाब से नहीं कह रहा, बहुत सारे जो बड़े एमडीज हैं, जो बड़े होलसेलर हैं, वो तो कई कई स्कीमें पूरी कर देते हैं, और जो उनसे जो कमज़ोर हैं वो एक डील यानी 52 पीस की ही करना जो है ना बहादुरी समझते हैं। तो उन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ है, और काम शुरू करके वो काम चला रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से ये डील ख़त्म हो गई, जिसकी बाखबर ज़रा ये भी इत्तला दे रहे हैं, जिसकी तस्दीक या तरदीद कंपनी कर सकती है, हमारा मैटर नहीं है इस मामले में, क्योंकि हम कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर और एमडीज को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि कोई भी डिस्प्यूट छोटा मोटा अगर हो, तो वो आपस में मिल बैठ के हल किया जाए। इत्तलात ये है कि उन्हें भी आगाही, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी बिल्कुल आखिरी वक्त में आगाही दी गई है, मैसेजेस जो किए गए या जो कॉल्स, अगर कॉल की गई है तो पता नहीं, लेकिन मैसेजेस जो है बहुत शॉर्ट, जब ख़त्म होने का टाइम था उससे शॉर्ट टाइम में किया गया। ये सारी गुफ्तगू बताने का मतलब सैमसंग इंतज़ामिया को, ये उमर गुम्मन साहब हैं, मशहूद हैं, और जो भी इनके जो कर्ता धर्ता हैं, रॉय है, जो भी एक्स वाई जेड हमारे जो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं, जो बड़े एमडीज़ के साथ चोली दामन का साथ है और इसके साथ लेके चलने वाला काम है, उनको अगर आगाही नहीं दी, और उन्होंने एमडीज़ को, जो कि बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो स्कीम से कोई ताल्लुक ही नहीं था, ये प्रिंसिपल की स्कीम थी, तो प्रिंसिपल, हमारी दरख्वास्त है, हमारी सैमसंग इंतज़ामिया से अपील है, जो डीलर्स की तरफ से है, कि या तो उन्हें कुछ 2-3 दिन का टाइम दिया जाए स्पेशल, या फिर जिसने जितने पीस एक्टिवेशन कर लिए हैं उस पे उसको वही 15,000 का एक्टिवेशन जो बोनस है वो दिया जाए। उसकी वजह यह है कि लोगों ने 15,000 रुपये की एक्टिवेशन की वजह से काट के, अपने पेट काट के, ये तो वही थोड़े से ही लेते हैं ना, तो उनके साथ ज्यादती हो जाएगी, और ये छोटी मोटी, वो बड़ी मुश्किलों से हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट होते हैं, बड़ी मुश्किलों से हम एक दूसरे के साथ किसी भी शिकल में अगर कोई छोटी मोटी इख्तलाफात होते हैं उसे दूर करते हैं। हमारी असल में कारोबार की मंदी के बायस हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, जो एमडीज़ हैं हमारे, डीलर जो है, तो सैमसंग इंतज़ामिया से हम उमर गुम्मन साहब, मशहूर साहब और जो कोरियन हैं उनसे अपील करते हैं कि प्लीज़ ज़रा इस मैटर को देखें। पूरे पाकिस्तान से शिकायतें आ रही हैं, वो अपनी जगह, ये एक अलहदा मैटर है कि आपके राइट्स हैं, क्योंकि कोई भी स्कीम जो ऐलान किया जाता है उसमें ये मेंशन कर दिया जाता है। मुझे इल्म इल्म नहीं है कि इसमें मेंशन था या नहीं था, कि किसी भी वजह बताए बगैर अब ये स्कीम ख़त्म कर दी जाती है, लेकिन इखलाकी तौर पर, क्योंकि हमारे एमडीज़ के पैसे लगे हुए हैं, सरमाया लगा हुआ है, अगर उनको वो टाइम नहीं दिया जाएगा, तो उससे उनको लाखों रुपए, सिर्फ कराची के अंदर करोड़ों रुपए, और पाकिस्तान में कई करोड़, जो कई
यानी मकसद कहने हैं कई ढाई करोड़ों में नुकसान हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान से शिकायतों के अंबार लग गए, तो प्लीज़ 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 आप इन्हें चांस दीजिए। और डिस्ट्रीब्यूटर से भी मैं अपील करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, और इसमें कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ या तो ये है कि टाइम दे दिया जाए उनको 2-3 दिन का, या अगर ये नहीं हो सकता तो जितने एक्टिव जिस पार्टी ने जिस एमडी ने जितने पीस, मिसाल के तौर पे अगर 20 पीस एक्टिव किए तो उनको ऑटोमेटिक जो है वो 3 लाख रुपए उनके मुनाफे में एडजस्ट कर दिए जाएं। इसी तरह किसी के थोड़े पीस रह गए हैं तो उसको कर दी जाए। अगर जिसका बहुत बड़ा फर्क है, भले उसके साथ कोई स्पेशल मुहिम में हिस्सा ना डालें, लेकिन जो करीब तर पहुंच गए 20-25 से ऊपर चले गए हैं, क्योंकि उनके तो लाखों रुपए डूब जाएंगे अगर ये स्कीम में उनको फायदा हासिल नहीं हो सका, तो आज के वाकयात और कारोबारी मामलात इसकी इजाज़त नहीं देते। हमको अफहाम व तफहीम से चलना चाहिए और दोस्ती का हाथ मजीद बढ़ाते रहना चाहिए। तो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से हमेशा आप नेगेटिव ना देखें, तो हमेशा कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर और एमडीज या डीलर्स को एक प्लेटफॉर्म में जमा किया है, और हर मामले में हम आप तीनों के साथ खड़े हैं। तो प्लीज़ ज़रा अपील आपसे है, इस मामले को सीरियस देख लें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फी अमान अल्लाह।